मुहर्रम पर्व सहित आगामी सभी पर्वों को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से सीओ कोतवाली विमल कुमार सिंह की अध्यक्षता में पीएस कमेटी की बैठक कोतवाली थाना परिसर में किया गया। बैठक में कोतवाल कल्याण सिंह सागर, नखास चौकी इंचार्ज राम सिंह, कोतवाली उपनिरीक्षक अरविंद कुमार राय, नगर निगम चौकी इंचार्ज नंदलाल यादव, बेनीगंज चौकी इंचार्ज बबलू कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी और क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद थे। बैठक में मुहर्रम पर्व पर निकलने वाले पारंपरिक जुलूस की आपसी भाईचारे के साथ निकालने सहित अन्य त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने पर चर्चा हुई। सीओ कोतवाली ने कहा कि सभी त्योहार आपसी भाईचारे का संदेश देते हैं, इसलिए आपसी सामंजस्य बनाते हुए शांति एवं सौहार्द के साथ सभी त्योहारों को संपन्न कराएं। या और कोई विवाद होगा तो आप खड़े होकर के अपनी बात जरूर यहाँ रख दीजिएगा, क्योंकि उसकी पहले से तैयारी हो जाएगी। दूसरा विषय है कि शासन से क्या निर्देश आएगा या आए, और पिछली मरतबा अभी जलूस पे जब रोक लगी थी तो नवई के दिन जैसे इमामबाड़े पे ताजियेदारी होती थी, मेरी गुजारिश है कि ताजियेदारी वो जलूस नहीं होता है, वो जलूस नहीं होती, जलूस पे रोक लग गई थी लेकिन इसके लिए छूट थी। तो एक मरतबा फिर पुनः गुजारिश करेंगे कि फातिहा पढ़ने की छूट दी जाए, ताजियेदारी की छूट दी जाए, उसको जलूस नहीं कहा जाता है। जलूस के लिए रोक लगी है, ये जो मैटर है कि अनुमति दी जाए, ये यहाँ का मैटर ही नहीं है। ये जब जिले की बैठक होगी आएगा, जिले की बैठक होगी उसमें कहा जाएगा, शांति समिति की बैठक में जो दिशा निर्देश आपका होगा ये रिक्वेस्ट किया जाए कि जब ये उसको पूरा किया जाएगा। और आपसे गुजारिश किया जा रहा है कि अधिकारियों को भी आपके माध्यम से जो भी संज्ञान में मैंने आपके डाल दिया है, अधिकारियों का जो भी निर्देश होगा उसको हम लोग अर्थात पालन करेंगे। और कोई समस्या है आप लोगों की तो आप लोग बताओ भाई, तो यहाँ से नहीं हुआ होगा, वो मेरा ऊपर छाया होगा, ऊपर से ठीक है। मुहर्रम कहीं ना कहीं।